के ख्याल दिमाग में निर्वाण अर्थात मोक्ष की बात ख्याल में आती है, लेकिन निर्वाण शब्द का अर्थ भी अपन विचार करें तो निह अर्थात रहित और वाण अर्थात इच्छाएं। वाण का अर्थ क्या किया है कि समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाना, और इच्छाएं अर्थात इच्छा अर्थात होता कोई एक शब्द में बता सकता है, इच्छा के कहलाती है आकुलता। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इच्छा अर्थात आकुलता, इच्छा अर्थात कष्ट, इच्छा अर्थात दुख, इच्छा अर्थात तकलीफ, है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है? चार प्रकार की इच्छाओं का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। वहां बताया कि एक इच्छा उत्पन्न होती है वो मिट नहीं पाती, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। संसार मतलब कहना क्या है कि हमारे भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, अर्थात समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गए। अपन भगवान की तीन उपाधि देते हैं ना अपने सच्चे देव की, किसी को मालूम कौन कौन सी? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अनंत भगवान जिनकी वाणी कीर्ति जिनकी हितोपदेशी कहलाते हैं। तो वीतरागी शब्द अर्थात समस्त प्रकार की आकुलता से, कष्टों से, राग देश से रहित होकर के परम वीतरागी हो गए, परम सुखी हो गए। तो ऐसे गजब कल्पना करो कि एक बार निर्वाण को प्राप्त हुए हमारे भगवान महावीर आज से 2500 साल पहले, जैसे अपन यहाँ पर है ऐसे ही धरती पर विचरण होता था उनका, और भी निर्वाण को प्राप्त हुए अर्थात सारे कष्ट उनके दूर हो गए, कोई कष्ट रहा नहीं, ना जन्म का, ना मरण का, है ना, ना किसी और प्रकार का, ना रोग का, ना बीमारी का, ना शोक का, किसी प्रकार का कष्ट रहा है। और ऐसे भगवंतों की अपन यहाँ आज भगवान महावीर जिनकी अपन निर्वाण मनाने के लिए एकत्रित हुए, बताओ अपन सबका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो पूर्णता अर्थात यानी आत्मा की दशा में भी ये जो परिवर्तन बार बार संसार परिभ्रमण का दिखता है, जन्म मरण का दिखता है, इसका अभाव हो जाए हमेशा के लिए, और जैसा आत्मा है वैसे ही दशा प्रकट हो जाए। आत्मा बताओ कैसा है? आत्मा अर्थात, आत्मा अर्थात ये तो आगम में लिखा है ज्ञान दर्शन स्वरूप। आत्मा अर्थात लेकिन है कौन आत्मा? मैं हूं ना स्वयं। जब भी आत्मा ख्याल में आए तो तुरंत कहां नजर जानी चाहिए? मैं। तो बताइए आत्मा अर्थात मेरा स्वरूप है क्या? सुखमय है कि दुखमय? सुखमय है ना, सुखमय है, लेकिन अभी सुखमय स्वरूप होने पर भी अभी चल क्या रहा परिणति में? क्या चल रहा परिणति में? आकुलता चल रही, कष्ट चल रहा। क्यों चल रहा ऐसा कष्ट? हम तो सुख स्वभाव वाले हैं, सुखमय तत्व हैं, फिर भी ऐसा कष्ट क्यों चल रहा?
इसलिए चल रहा है कि सुखमय तत्व की तरफ देख कहां रहे, बताओगे ऐसे सुखमय तत्व में स्वयं अपनी ओर देखें तो सचमुच में सुख प्रकट हो जाए, कहीं देखना नहीं पड़ेगा फिर कहीं पर, सचमुच में कोई विचारना नहीं पड़ेगा कि सुख आया कि नहीं आया, ऐसा पूर्व अद्भुत आनंद प्रकट होगा इंद्रिय कि एक बार उसको प्रकट हो जाने के बाद में अनंत 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 काल के लिए छोड़ने की इच्छा ना हो, ऐसा सुखमय तत्व में। और हमारे भगवान को ऐसी सुखमय तत्व उनकी केवल ज्ञान होती साथ उनके जब मोक्ष तत्व प्रकट हुआ था उसी समय प्रकट हो गया था। इसलिए बता कोई भी भगवान अपने उनकी अंतर्मुख मुद्रा होती दिखती है बाहर में कि कोई बाहर आंख खोल के दिखाई देता, बताओ यार अंतर्मुख मुद्रा दिखती है। अब कल्पना करो ये अपने भगवान विराजमान है और ये भगवान अपने अपने जो है कभी आंख खोल के देखने लगे अपनी तरफ तो कैसा लगेगा, बताओ कैसा लगेगा, आश्चर्य नहीं लगेगा अटपटा लगेगा अपने, अरे भगवान कर क्या रहे ये? अपनी आत्मा को छोड़ करके यहाँ देखने लगे, उनकी जरूरत क्या है, आत्मा तो अंतरंग में अपने में लीन है। और जब ऐसी दशा प्रकट होती तब मुद्रा में भी बाहर अंतर्मुखता नजर आती है उनकी, और तब स्वयमेव विनय बोले हमको भी शिक्षा मिल जाती कि बाहर में कहीं देखने लायक नहीं है, कहाँ देखने लायक है स्वयं में देखने लायक, जिसका ध्यान जिसका उपयोग अपने में लगता है उसकी मुद्रा भी ऐसी वितरागता भाव वाली हो जाती है। ऐसे गजब की मोक्ष दशा को भगवान ने प्राप्त किया और अपन सब भी बैठे तो यहाँ पर इसी उससे है ना, लेकिन ईमानदारी से बताना अंतरंग में मोक्ष के चाय होते है किसको ये बताओ। बाबूजी तो कहते थे, बाबूजी का बहुत पहले लेख छपा था सन्मति संदेश में, उसमें आई था, उसमें उन्होंने प्रश्न ही पूछा था बाबूजी अर्थात युगल जी बाबूजी अपने कोटा वाले बाबूजी, तो उनका एक लेख छपा था किसे चाहिए मुक्ति, क्या नाम था लेख का, किसे चाहिए मुक्ति, बाद में ज्ञानधारा में भी ये लेख आया था, उसमें उन्होंने प्रश्न ही पूछा था, शुरुआत इस लेख की यहां से हुई थी बताओ मुक्ति किसको चाहिए, तो उनने पूछा बताओ किसको चाहिए मुक्ति, तो सभा में सबने हाथ खड़े कर दिए, सब हमें चाहिए मुक्ति, हमें चाहिए मुक्ति, हमें चाहिए मुक्ति, माता बहन ने भी कहने लगा हमें चाहिए मुक्ति, सबने हाथ खड़े कर दिए। उनने कहा चलो कोई बात नहीं, सबको मुक्ति चाहिए अच्छी बात है, सबको मुक्ति मिलेगी। फिर उसके बाद में जब प्रवचन सभा खत्म हुई, उन्होंने कहा एक काम करो, एक एक व्यक्ति को हमारे पास कमरे में भिजवा दो, और फिर एक एक व्यक्ति अंदर गया और उन्होंने पूछा बताओ भाई तुम्हें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, साहब चाहिए तो है पर इतनी परेशानी है पहले दूर हो जाए, क्या परेशानी है, कोई ने कहा हमारा बच्चा बात नहीं मानता, कोई ने कहा बच्चा काम धंधे से लग जाए, कोई ने कहा साहब अभी बेटी की शादी हो जाए, कोई ने कहा अभी बेटी की शादी हो जाए, कोई कहने लगे नाती पोता नहीं हुआ अभी उनका मुंह देख लो, बताओ बोलो। तो जितने लोगों ने हाथ खड़े किए थे एक एक करके सबको बुलाया, सबने अपनी अपनी दुनिया भर की तकलीफें गिना दी, अब तो बताओ फिर बाबूजी ने उसमें पूछा बाद में बताओ जितने भी लोगों ने हाथ उठाया था उन्हें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जरा ईमानदारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो खुदाई कहा कि किसी को नहीं चाहिए मुक्ति, अरे तेरे घर पे तो दाण देते थे तेरे घर पे चक्रवर्ती आ जाए भाग्य से, तेरे घर पे चक्रवर्ती आ जाए और आकर के दरवाजे पे खड़े हो और फिर तू कहे सबरे चक्रवर्ती पधारे हैं कि साहब क्या चाहिए मांग लो, जो चक्रवर्ती से जो मांगना वो मांग लो, तू कहे कि मेरे घर में झाड़ू नहीं है झाड़ू की कमी है झाड़ू दे दो, बताओ कैसा लगेगा, चक्रवर्ती से ये कहे कि झाड़ू दे दो अभी झाड़ू की कमी है, ऐसा है मुक्ति के सामने अपने जरा जरा से कष्टों को याद करना झाड़ू मांगने के समान है। कहां ये हमारे भगवान मुक्ति की शिक्षा देने के लिए बैठे हैं और विनय बोले मुक्ति की राह में सुख है ये बता रहे और क्या विधि ये बता रहे हैं और हम ये कहें कि ये कष्ट दूर हो जाए ये कष्ट दूर हो जाए, तेरे सारे कष्ट का अभाव होने का समय आया और फिर तू ये कष्ट को गिनता है, कभी बीमारी है कभी घर में काम नहीं बन रहा कभी ये नहीं बन रहा है, बताओ तो ये मुक्ति की दरकार है कहां, जिसे मुक्ति की सचमुच में दरकार होती है वो मालूम कहां जाता है ये बताओ। गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव श्री का बहुत प्रसिद्ध ये वाक्य है
जिसे एक भाव की परवाह होती है वो कहां जाता है? वो दुकान पे जाता है। इस भाव की माने इस वर्तमान भाव की परवाह, अरे कुछ पैसे कमाओ, पढ़ाई करो, नौकरी धंधा करो, व्यापार धंधा करो, ये जीवन कैसे बीतेगा अपना, शादी ब्याह कर लो, बीवी बच्चे होंगे अपने पास में, जीवन अच्छे से बीत जाएगा। जिसे इस भाव की फिक्र होती है वो कहां जाएगा? दुकान पर। और फिर वो गुरुदेव फरमाते थे जिसे अगले भाव की फिक्र है वो कहां जाता है? वो मंदिर जी में जाता है, कह रहे पूजन पाठ कर लो, थोड़ा सा पुण्य कमा लो, ऐसे ही अपन घर गृहस्थी में लगे रहे और पाप कमाते रहे तो अपन नरक चले जाएंगे मर करके। तो एक काम करो, भगवान की खूब पूजन पाठ कर लो, थोड़ा नियम संयम कर पाल लो, तो अपन स्वर्ग आदि चले जाएंगे। तो जिसे अगले भव की परवाह होती वो कहां जाता है? मंदिर जी में। फिर गुरुदेव श्री कहते थे जिसे अनंत भाव की परवाह होती बताओ वो कहां जाता है? बताओ वो कहां जाता है? जिसे अनंत भाव की परवाह होती है वो आत्मा के पास जाता है। क्यों? क्योंकि अनंत काल तक सुखी रखने की ताकत, सुख देने की ताकत किसके पास में है? अपने आत्मा में सुखी रखने की ताकत है अनंत काल तक। जगत का और कोई पदार्थ सुखी नहीं कर सकता, भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। भगवान तो सुखी होने की केवल विधि बता सकते, बस इतना। तो अनंत भाव तक सुखी होने की ताकत आत्मा ही में है। इसलिए मोक्ष किसको होता है? शरीर का होता है कि आत्मा का होता होता? आत्मा का मोक्ष होता है, शरीर तो पड़ा रह जाता है यहीं पर, और जिसे मोक्ष प्राप्त करना वो कर लेता है। लेकिन ये मोक्ष है कहां? बताओ ये मोक्ष है कहां? बताओ कहां ये मोक्ष? ऊपर सिद्धालय में, आत्मा में। तो फिर वो क्या है? वो जो क्या कहते हैं उसको 45 लाख योजन की सिद्धशिला कहलाती, वो क्या है फिर? अरे वो तो जड़ पत्थर की रचना है। मोक्ष किसको प्राप्त हुआ? आत्मा को हुआ कि अभी अपन ने प्रश्न पूछा था कि किसी और को हुआ है? हुआ तो आत्मा को है। तो मोक्ष कहां मिलेगा? आत्मा ही में मोक्ष मिलेगा, आत्मा से अतिरिक्त कहीं हटकर के मोक्ष नहीं मिलेगा। समझना भाई इसको, ये मोक्ष अधिकार अपन इसकी चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा इसमें की है, शुरुआत की गाथाएं अभी शिखर जी में भी, वहां पर थोड़ा सा समय था तब ये चर्चा वहां पर भी सुबह सुबह ली थी, उसी चर्चा को यहाँ पर फिर से लेते हैं। देखो ये बताना क्या है इस मोक्ष अधिकार में, पहले तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की, अपने पास अभी समय कम है ना, इसलिए अपन गाथाओं का पाठ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसको पढ़ेंगे। देखो ये है पहला जो कलश, इसके बाद में 180 नंबर के कलश के बाद में जो गाथा है 288 नंबर की, इसकी पूर्व की भूमिका में देखो। अब मोक्ष की पेज नंबर है 425 इस ग्रंथ में। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं, 425 पेज पर ही है ना। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंधे के स्वरूप जानने से ही संतुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। तो फिर बाद की गाथाओं में 200, 288, 289, 290 में यही बात कही है कि जो पुरुष कोई बंधनों प्रतिबद्ध है चिरकाल का वह तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंध का, पर जो करे नहीं छेद तो छूटे ना बंधन वश रहे, अरु काल बहुत ही जाए तो भी मुक्त वह नर नहीं बने। त्यों कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को जाने भले ना छूटे ना जीव जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। क्या मतलब इन गाथाओं में क्या कहा है? इन गाथाओं में ये कहा गया है कि बंधन को जान करके भी और बंधन से छूटने की बात सोचते हुए भी कोई जीव छूटता नहीं, चिरकाल बीत जाता है, चिरकाल बीत जाता है तो भी बंधनों से छूट नहीं जाता है। तो क्या क्यों नहीं छूट जाता बंधनों से? तो यहाँ गाथाओं में कह रहे हैं बंधन में बंधा हुआ पुरुष बंधन का विचार तो करता है, छूटने का विचार नहीं करता। ख्याल में देखो, ऐसे समझ में नहीं आ गया, दृष्टांत है अपने को क्या हुआ, सड़क से जा रहे थे एक बार, किसी सड़क से कोई जा रहे थे कहीं पर, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया अपने को, चलो तो पकड़ के ले जा रहे हैं अंदर। हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ले जा रहे हैं पकड़ करके? उसने कहा नहीं, चलो चलो
तुमने गलत काम किया, चलो घर से, और ले गया और ले जाकर के हवालात में अपने को बैठा दिया। अपन वहां बैठे हैं और बैठे बैठे वहां पर अपन सोच रहे कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, पता नहीं कितने समय तक जेल में रखेगा, क्या करेगा अपने साथ में, कितनी पिटाई करेगा, कितनी मार लगाएगा, कितने समय तक बंद रहेंगे, क्या करेंगे, बताओ। इतना विचार करने से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? क्यों नहीं छूटेंगे? अरे अभी तो ये तो विचार कर, तू अपनी बात अकेले विचार ही नहीं कर कि इसने पकड़ लिया है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, तू इसका विचार नहीं कर कि इसने पकड़ लिया है, मैं छूटूं कैसे, इसका विचार कर। तू पुलिस के सामने, उसके ऑफिसर के सामने जाओ, कह कि साहब मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे इतना लौकिक का उदाहरण इसलिए वैसे ही लगाना, मुझे क्यों पकड़ा, मेरा अपराध तो बताओ, और फिर अपनी सफाई घर पर प्रस्तुत कर कि मैं तो साफ सड़क से सीधा सीधा जा रहा था, जबरदस्ती ये आपके सिपाही ने मुझे पकड़ के यहाँ पर ले आया, मेरा अपराध है नहीं। तू अपने वकील को बुला, तू अपने घर के लोगों को खबर कर, तब तो तू छूटने के बारे में कुछ उपाय बनेगा। और तू वहीं बैठे बैठे इतना विचार करता रहे कि पता नहीं कितने साल की जेल होगी, कितने साल तक रहना पड़ेगा, पुलिस वाले कैसे मारेंगे, तू कभी नहीं छूट पाए। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, आगम पढ़ करके तू, जिनागम पढ़ करके तू, इतना चार प्रकार का बंधन है, इतने प्रकार के बंधन है, फिर ऐसे ऐसे इस प्रकार का बंधन है, फिर एक कर्म बंधता है तो इतने काल तक बंधता है, इतने छूटता है, सब लिखा है इसमें। तू कितनी चिंता बंध की करता रहे, तू कभी नहीं छूट पाएगा बंधन की चिंता करते हुए, बंधन के बारे में विचार करते हुए कभी छूट नहीं पाएगा। बड़े पंडित जी साहब तो और गजब कहते हैं कि मोक्ष अधिकार को पढ़ता हुआ भी अंतरंग से नहीं लगता कि मुझे को मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने कह दिया जाओ कि आज प्रवचन करना तुम्हें, तो कौन सा विषय लोगे, साहब मोक्ष अधिकार लेंगे। तो उन्होंने क्या गजब कहा उन्होंने कि मोक्ष अधिकार की तो तैयारी तो करता है, पर काय के लिए करता है, सुनाने के लिए। और तैयारी किसके लिए करना चाहिए थी, अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए तैयारी करना थी, वो तो ख्याल में आती नहीं। कह रही ये अधिकार मेरे मुक्त होने के लिए लिखा है आचार्य देव ने, मुक्ति का स्वरूप कैसे क्या होता है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है इसके लिए मुझे बताया है, परंतु दूसरों को सुनाने के लिए तैयारी करता है। तो बंधन को इतना ज्यादा बंधन मतलब ऐसा लगता है, चिंता तो करता परंतु छूटे कैसे, ईमानदारी से उसका विचार नहीं करता। यही इन गाथाओं में कहा है कि जैसे पुरुष जो इस बंधन के स्वभाव को, तीव्र मंद स्वभाव को, काल को जानता है, विचार करता है, तो अपन कितने विचार करें इस संसार का, आगम को सामने रख करके विचार करें, परंतु कितने विचार कर लो, मुक्ति प्राप्त होने वाली है, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आचार्य ने इन गाथाओं में कहा कि ऐसे तू प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध को जानता हुआ भी कर्म बंधे से नहीं छूटता। क्यों, कब तक नहीं छूटता? देखो इन गाथाओं की अंतिम बिल्कुल पंक्ति में आई हुआ है, जब किंतु यदि वह स्वयं रागादि को दूर करके शुद्ध होता है तभी छूटता है, मुक्त होता है। क्या कहा, जब वह जीव स्वयं ये जो बंधन का जो कारण है, अब सुनो बताना जरा, कर्म बंध से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, बताओ, कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है, बताओ, हुआ है किससे बंधा हुआ है, सोचो जरा, दर्पण देखो क्या कहना चाह रहे दर्पण। वो कह रहे कर्म बंधन से स्वयं छूटने का उपाय नहीं करता, तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय नहीं करता रहता, कर्म जिसके कारण से बंधे हैं उनसे छूटने का उपाय नहीं करता। बताओ कर्म किसके कारण से बंधे, राग द्वेष और मोह। क्या कहा, राग द्वेष मोह। उन्होंने कहा जब तक स्वयं इस राग द्वेष मोह से छूटने का उपाय नहीं करता है तब तक नहीं छूटता, समझना। कर्म तो जड़ पुद्गल है, वो आत्मा अरूपी है, कर्म मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, कर्म कैसे बांधेंगे, परंतु ये आत्मा बंधा तो है, परंतु कौन से कर्म है यहाँ पर लेना, भाव कर्म। जब तक इन भाव कर्म, ये जो जिसके कारण से द्रव्य कर्म खड़े होते हैं, ऐसे भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष जो बंधन है जिससे छूटने का उपाय नहीं करता है तो स्वयं नहीं छूटता है। तो यह गाथाओं में इसकी चर्चा की है। अब उसके बाद में देखो 292 नंबर की गाथा है,
जो बंधनों से बद्ध वह नहीं बंध चिंता से छूटे, त्यों जीव भी इन बंध को चिंता करे से नहीं छूटे। उदाहरण दे दिया जो भी अपन ने चर्चा करी कि जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। कि ऐसे ही बंधन का कितना विचार करता रहे परंतु मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। आगे 292 नंबर की गाथा, जो जो बंधनों से बद्ध है नर बंध छेदन से छूटे, क्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति भरे। इसका क्या अर्थ है गाथा का? जैसे बंधन बद्ध पुरुष बंधनों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव बंधनों को छेद कर मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या कहा? जैसे कोई बंधन बद्ध पुरुष, ऐसा अपन ने कई बार पुरानी पिक्चरों में ऐसा आता ना, पहले तो अब देखते थे, अब तो सालों से छूट गए, तो उसमें ऐसा आता था कि किसी को पकड़ लिया डाकू और कुर्सी से चारों तरफ रस्सी से बांध दिया उसको, तो उसमें छूटना का उपाय भी बताया था। बताओ क्या कैसे करके छूटता वो? थोड़ा हाथ पैर हिलाएगा, ताकत लगाएगा, इधर करेगा, फिर कोई एक रस्सी का एक गठान खुल गई तो क्या करेगा? धीरे धीरे करके मिला करके उसकी सारी गठान खुल जाती है और वो छूट जाता। उदाहरण है ये, तो छूट गया ऐसे, है ना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं बंधन बद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और करता है। तो ये बंधन से छूट सकता था तो इसमें क्या, इसका अपन अभी समय कम है ना, इसका डिटेल अपन विचार करो। अरे ये आत्मा अर्थात ये मैं ही मुक्त हो सकता हूँ, ये भगवंतों ने बता दिया। कभी संसार में रहने का स्वभाव नहीं, भले ही अनादि काल से संसार में घूम रहे थे लेकिन अनंत काल तक घूमने वाले होंगे। हम छूट सकते छूट सकते, मुक्ति प्राप्त कर सकते और हमेशा के लिए अनंत काल के लिए सारे बंधनों का अभाव करके मुक्ति दशा को प्राप्त कर सकते। बताओ, बड़े पंडित जी ने एक बार पूछा सवाल है कि संसार में कब से घूम रहे हैं, कितने काल से घूम रहे हैं संसार में? अनादि काल से। और कब तक घूमते रहेंगे? कोई क्या बोले इधर से, कब तक घूमते रहेंगे? अनंत काल तक। ऐसे ही बोल देते वर्ध्योग में कि कब से घूमते आ रहे हैं अनादि काल से, कब तक घूमेंगे? अनंत काल तक। अरे नहीं, अब तो ये गाथाएं पढ़ के लगना ये चाहिए कि अब नहीं घूमेंगे। जिन धर्म में आ जाए जैनी हो घर में और कहे अनंत काल तक संसार में घूमेंगे, संभव है ऐसा? सचमुच में जो जैनी होगा उसके लिए तो संभव नहीं है। इस गाथा में यही कहा गया है, हो गया तेरा अनादि काल का संसार, लेकिन अब तेरे पास में तू आत्मा स्वयं है और मुक्ति प्राप्त करने का स्वभाव है तेरा। जब तक ये बात अपने को नहीं लगेगी कि हमारा मुक्ति प्राप्त करने का स्वभाव है, अकेले भगवान का नहीं, भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं, वे तो मोक्ष गए पर मार्ग छोड़ गए। भगवान तो मोक्ष पधार गए परंतु उस मोक्ष को प्राप्त करने की विधि हमको बता गए भगवान। बताओ, विधि बता गए तो बताओ उस विधि पर चल के जो चलेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हम चलेंगे, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जीव हो यदि इस विधि को अपना ले मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही इसमें यहाँ पर कहा गया है कि बंधन बद्ध पुरुष यदि बंधनों से छूटने का उपाय करे तो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये अन्य मत मतांतर नहीं है, ये जिन धर्म है यहाँ जिसने उपाय अपनाया उसकी नियम से मुक्ति। अन्य मत जैसा नहीं है कि कभी मोक्ष चले गए, कभी मान लो भगवान ने मोक्ष भेज दिया और वैकुंठ को प्राप्त करा दिया और मान लो वही भगवान नाराज हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर पटक दे वापस नीचे, लोग फिर से संसार में घूमे। ये ऐसी मुक्ति नहीं है यहाँ पर, है ना, कि किसी के आश्रय से हो, किसी की भक्ति करने से मिलती हो, किसी को खुश करने से मिलती हो, किसी की सेवा करने से मिलती हो, ऐसी मुक्ति नहीं है। यहाँ तो आत्मा का मुक्त रहने का स्वभाव है और बंधन इतना है मोह राग द्वेष का उससे बंधा हुआ है, और एक बार वो मोह राग द्वेष छूट गए उसके बाद अनंत 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 काल तक रही है। अनंतानंत काल यथा तथा शिव हरिहरि, अनंतानंत काल तक समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के जन्म मरण आदि से रहित होकर के अतीन्द्रिय अनुपम सुख को भोगते ही मुक्त रहते। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये बंधनों को छेद करके मुक्ति को प्राप्त करता है। इसको पढ़ के इतना जोरदार विश्वास आना चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए,
अरे सचमुच में हम ऐसे मार्ग में आ गए, ऐसे जिनेंद्र भगवान के मार्ग में आ गए जहां सचमुच में मुक्ति बताई है, मुक्ति का स्वरूप हमारे सामने दर्शाया है और मुक्त होने की विधि भगवान ने बता दी। अब सचमुच में जिसको विश्वास आ गया बताओ उपाय कौन करेगा? बताओ, अपने में जब कोई रोग हो जाता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते, तो कौन से डॉक्टर के पास जाते? जहां पर यह विश्वास होता है कि यहां जाने से तब हमारा इलाज पक्के में सही हो जाएगा, तब मतलब बीमारी जरूर दूर हो जाएगी, ऐसी जगह पे अपन जाते हैं, ऐसी जगह पहुंचते हैं। ऐसी बताओ ये जो रोग है, ये भाव रूपी रोग, संसार रूपी रोग, इसको दूर करने के लिए किसके पास में अपन आ गए हैं? सदगुरु वैद्य सुजान कहा गया है ना, हमारे सच्चे हमारे गुरुओं के पास आ गए जिन्होंने मुक्ति का उपाय बता दिया, भाव रूपी रोग से छूटने का उपाय बता दिया। उन्होंने इतना विश्वास आ जाना चाहिए और तब उस विश्वास के आने पर अंतरंग से उत्साह जागृत होता है, अंतरंग से हमारी ललक जगती कि अरे हम भी एक बार मुक्ति को प्राप्ति का सच्चा उपाय तो अपने जीवन में प्रकट करें। सचमुच में अनादि काल से भटकते हुए कितना समय हो गया, अब महाभाग्य से ये समय अपने को मिला है। आज सुबह या कल रात में पंडित जी के प्रवचन में आया था ना, बताओ कि चक्रवर्ती के भाग्य से ज्यादा गुरुदेवश्री कहते थे कि एक घंटे का भी तुझे यदि जिनवाणी के स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो तो चक्रवर्ती के पुण्य से भी ज्यादा पुण्य तेरे उदय आया। चक्रवर्ती का पुण्य तो निरतिशय पुण्य, जिसके उदय में भोग वैभव मिलते हैं केवल, लेकिन अपने मुक्ति की बात सुनने मिली, अपने स्वभाव की बात सुनने मिली, अपने आत्मा की बात सुनने मिले, बताओ कौन सा पुण्य है? ये सातिशय पुण्य है, ये महाभाग जैसा मिला। तो सचमुच में जिनेंद्र भगवान के द्वार पर आकर के अब मेरे संसार का अभाव होना ही होना, इतना विश्वास अंतरंग से आना चाहिए भगवान को देख करके, अरे प्रभु सचमुच में आपने मुक्ति का उपाय बता दिया, आपने बोला कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, आपने तो अपनी मुक्त होने का उपाय किया, परंतु आपके मुक्ति के उपाय में हम जैसे भव्य जीवों को अपने आप मुक्त होने का उपाय प्राप्त हो जाता है, मुक्ति की विधि प्राप्त हो जाती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के पास अपन आए तो कह रहे हैं कि बंधनों को छेद करके मैं मुक्त हो सकता हूँ, सारे कष्टों को छेद करके, मोह राग द्वेष का अभाव करके मैं मुक्त हो सकता हूँ, इतना ऐसे विश्वास के साथ में आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखो अब कैसे होंगे, तो 293 नंबर की गाथा में कहते हैं, रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे आ। बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधों के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। बहुत सुंदर कथा है ये, समझ लो विधि चालू हो गई यहाँ से, यहाँ से मुक्ति की विधि जो है अद्भुत विधि, उसकी चर्चा चालू हो गई यहाँ से। कैसी विधि यहाँ से उन्होंने बताई कि बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर, और उसके पहले उन्होंने कहा कि मात्र यही अर्थात बंध का छेदन ही मोक्ष का कारण क्यों है। तो देखो इसी प्रश्न खड़ा किया पहले कि यही अर्थात बंध का छेदन ही मोक्ष का कारण क्यों है, ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं। तो देखो उन्होंने क्या कहा गाथा में कि बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधों के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। देखो क्या कह रहे हैं, बंधों के स्वभाव को जानकर अर्थात सात तत्व पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ने पढ़े हैं ना, सात तत्व में बताओ कौन कौन से सात तत्व, पहले तो नाम बोलो उनका, जीव उद्गल जीव अजीव आश्रव बंध संवाय निर्जरा मोक्ष। तो ये आश्रव और बंध दो तत्व है ना, कोई एक शब्द में इनका स्वरूप बता सकता, इनका भाव बता सकता, एक एक शब्द में क्या इनका भाव? दुख। दुख, बहुत अच्छा। ये आश्रव या बंध कहो, एक शब्द में कहें तो ये आकुलता दुख कष्ट, ऐसे ही अर्थात ये यहां कह रहे हैं बंधों के स्वभाव को अर्थात किसको पहचान करके कि बंध अर्थात आकुलता में तत्व, बंध अर्थात आकुलता, बंध अर्थात कष्ट
है ना। तो ऐसे बंधन के स्वभाव, अब बंधन के लिए भी अपन ने पहले एक शब्द दिया था यहां पर थोड़ी देर पहले, यहां बंधन किसको कहा गया है, किसका बंधन कहा गया है बताओ, कहा था ना तीन शब्द बताए थे, किसको बंधन कहा गया है, मोह राग द्वेष, अभी कहा था ना मोह राग द्वेष, कि ऐसे बंधनों के स्वभाव को अर्थात मोह राग द्वेष के स्वभाव को, आकुलता स्वभाव को पहचानता है, और फिर इसमें लिखा आत्मा के स्वभाव को जानता है। एक तरफ बंधन का स्वभाव आकुलता, और दूसरी तरफ आत्मा का स्वभाव जानना देखना, और उसके फल में फिर निराकुलता, ऐसे स्वभाव के आश्रय से निराकुलता निराकुल दशा प्रकट होती है। कैसे बंधनों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बताओ अपने सामने, है ना, बहुत तीव्र प्यास लगी हो और एक तरफ विष से भरा हुआ शीतल जल रखा हो और एक तरफ ठंडा अमृत जैसा स्वादिष्ट शुद्ध जल रखा हो, कौन सा पिएंगे, शुद्ध जल पिएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं यहां पर, जो बंधनों के स्वभाव अर्थात कष्ट के स्वभाव को जानता है, राग देश मोह स्वयं आकुलता में दुख में ये पहचानता है, और आत्मा का स्वभाव निराकुल ऐसा जानता है, तो जो ऐसा जानता है वह बंधों से विरक्त होता है और बंधों से विरक्त होकर के कर्मों से मुक्त होता है। तो बंधों से विरक्त होना अर्थात हाँ ये तो उसका फल है, तो बंधन से विरक्त होना अर्थात मोह राग द्वेष से विरक्त हो जाना, अर्थात मोह राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ये आकुलता स्वभाव है, ये आकुल स्वभाव वाले पर परिणाम है, विभाव परिणाम है, ऐसा जान करके उनसे विरक्त हो जाना, उनसे विरक्त हो जाना अर्थात मेरा स्वभाव नहीं है। अभी आगे बताएंगे, तू अपने इस प्रकट ज्ञान में निर्णय कर कि तेरा स्वभाव क्या है, रागादिक तेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जान करके उनसे विरक्त हो जाना, अर्थात ये बंधन से विरक्त होना अर्थात बंधन के कारणों से विरक्त होना, ये कारण जो बंधों से विरक्त होता है, तो बंधों से विरक्त होता है अर्थात बंधन के कारणों से विरक्त होता है, बंधन के कारण अभी अपन ने कहा राग द्वेष मोह है, राग द्वेष मोह से विरक्त होता है। बताओ अपन सब यहाँ अच्छे से बैठे हुए हैं, हैं? अपन लोग जेल क्यों नहीं ले जाते, पुलिस वाले अपने को पकड़ के जेल में क्यों नहीं बंद करते, सीधा सा उत्तर है यहाँ अच्छे से बैठे हैं अर्थात हम जेल में नहीं बैठे, जेल में नहीं गए, इसका क्या मतलब है, जेल में नहीं गए अर्थात जेल में जाने के कारण से अपन बचे, तो कौन सा कारण है जेल में जाने से बचने का, कोई अपराध नहीं किया, किसी की चोरी नहीं करी, किसी को मारा नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को लूटा नहीं, तो जेल जाने से बचना अर्थात जेल जाने के कारणों से बचना, ऐसे ही बंधनों से बचना अर्थात बंधन के कारणों से बचना, बंधन के कारणों से बचे, और बंधन के कारण कौन कौन से हैं, अपन बहुत सरलता से बात करें तो मोह राग द्वेष हैं, ऐसे बंधन के कारण से जो बच जाता है वह बंधन से बच जाता है अर्थात मुक्तता को प्राप्त होता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि बंधों से विरक्त हो जाना अर्थात बंधन के आकुलता स्वभाव को जानकर अर्थात मोह राग द्वेष आदि आकुलता स्वभाव वाले हैं, ऐसा जान करके उनसे बचना, और उनसे बच करके आत्मा मुक्ति स्वभाव अर्थात आनंद स्वभाव वाला है, ऐसा जान करके आत्मा का आश्रय लेना। तो एक तो उन्होंने ये कहा, अब उसके बाद में देखो फिर 294 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि अब ये जो बंध है आत्मा और बंध किस साधन द्वारा द्विधा अर्थात अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं, छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाते हैं। क्या अर्थ है इसका, दुग्गाथा में क्या कह रहे, जीव तथा बंध नियत स्व लक्षणों से अर्थात अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं, प्रज्ञा रूप छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं अर्थात अलग हो जाते हैं। क्या कहा कि जीव तथा बंध नियत स्व लक्षणों से, जीव तथा बंध अर्थात जीव अर्थात आत्मा में ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जो तत्व है, ज्ञानन स्वाभाविक जो तत्व है आत्मा, और बंध अर्थात ये आकुलता में जो राग द्वेष आदि भाव हैं, ये अपने अपने नियत स्व लक्षणों से पहचाने जाते हैं,
मुक्ति की विधि बता रहे हैं ना, मुक्ति की प्राप्ति का उपाय, कि तू ऐसे दोनों को अलग अलग जान, और एक का स्वभाव आकुलता मय है, किसका, बंधन का स्वभाव आकुलता मय है, और जीव का स्वभाव अर्थात मेरा स्वभाव निराकुल स्वभावी में, आनंद स्वभावी में, ज्ञान दर्शन स्वभावी में, जानन देखने स्वभावी में, अर्थात रागादि से रहित रहने के स्वभाव वाला में, ऐसा जान करके निश्चित दोनों के स्वलक्षण, ऐसे दोनों के निश्चित स्वलक्षण को पहचान, और पहचान किससे करें, लेकिन ऐसी पहचान करके कैसे दोनों को अलग अलग जाने, दोनों गाथे में तो सीधे सीधे कहा कि जीव तथा बंध दोनों निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। फिर अगली पंक्ति में बताया कि कैसे छेदे जाते हैं, क्या लिखा है इसमें, प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाते हैं। तो है क्या ही प्रज्ञा रूपी छेनी, एक तो पहले छेनी जानते, छेनी क्या कहलाती है, किसे कहते छेनी, बताओ, बहुत सारे बच्चों को पता है ये बारीक धार वाली होती ना, धीरे धीरे करके इसके ऊपर रख के ठोंकते रहते हैं, उसको छेनी होती है, कि बारीक इसमें धार होती है जिससे वो छेनी के द्वारा दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसको छेदा जाता है, धीरे धीरे उस पर छेनी चलाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ, ऐसी छेनी तो बाहर में दिखती है, तो अपने पास भी कोई छेनी है कि नहीं, ऐसी कि कौन सी छेनी है, ये कहिए जो प्रकट ज्ञान है उसको छेनी कहा है, समझ में आ रहा, ये प्रकट ज्ञान जो है, ये हमारा जो प्रकट ज्ञान कल पंडित जी साहब ने कहा था ना, रात के प्रवचन में आया हुआ था, कि संगी पंचेंद्रिय होकर के ये जीव निर्णय कर सकता है, अर्थात संगी पंचेंद्रिय दशा में ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि जो ज्ञान निर्णय ले सकता है, पहचान सकता है, अलग अलग पहचान सकता है, अपने स्वरूप को जान सकता है, और अपने से पर जितने समस्त उसको पहचान सकता है, तो ये जो प्रकट ज्ञान है इसी को प्रज्ञा रूपी छेनी कहा। तो इस प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा तू निर्णय कर मैं कौन हूं, और ये रागादिक जो आकुलता लक्षण वाले हैं, मैं ज्ञान स्वभावी, मैं आनंद स्वभावी, जानने देखने के लक्षण वाला, और ये जो रागादिक भाव है जिनको यहाँ बंध कहा जा रहा है, बंधन के जो कारण है, ये दोनों, ये आकुलता स्वभाव वाले दोनों के लक्षण को पहले तो पहचान। तुम्हारे आगम में भगवंतों की देशना में आत्मा का स्वभाव बताया, हमारा स्वभाव बताया, और ये रागादिक का स्वभाव बताया, ये किस स्वरूप वाले, आकुलता स्वरूप वाले ये बताया, और ये प्रकट, ये जो प्रकट ज्ञान है ये निर्णय कर सकता, तो निर्णय कर, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं चैतन्य तत्व, और ये होते हुए रागादिक भाव ये मेरे से न्याय, निर्णय कर। निर्णय करने पर पता चल जाता है स्पष्ट रूप से, अरे मैं तो जानने देखने के स्वभाव वाला मात्र, ये शरीर और आत्मा एक दिखते हैं परंतु होते नहीं है, कौन निर्णय किया, ये अपने ज्ञान ने निर्णय किया है, अपना ज्ञान पहचान सकता है। ये तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, यदि शरीर में जान होती, शरीर में, शरीर यदि जिंदा होता तो आंख देखती, मुर्दे की आंख देखती है ना, और मुर्दा चलता फिरता बोलता, परंतु आत्मा निकल गई, जानने देखने वाला चला गया, निष्क्रिय शरीर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, किस कौन कौन निर्णय कर रहा है इस बात का, यही प्रकट ज्ञान ये निर्णय करने में सामर्थ्य रखता है, इसी को यहाँ प्रज्ञा छेनी कहा। और ये कह रहे इस गाथा में, इसमें तो बहुत रहस्य है, गंभीर भी है ना, अपना समय तो यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ इतनी बस समझो कि जीव तथा बंध नियत सौ लक्षणों से पहचाने जाते हैं, और ऐसे अपने अपने लक्षणों से पहचान करके मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व हूं, और ये शरीर आदि जो है नौ कर्म, और राग आदि भाव कर्म, और ये ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्म, ये तीनों मुझसे न्यारे, ये मुझसे न्यारे, और खास करके यहाँ जिसके ऊपर जोर दिया कि आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम, मोह राग के परिणाम, ये मुझसे न्यारे, और मैं भगवान आत्मा चैतन्य तत्व इससे न्यारा। तो जब न्यारे न्यारे देखे दोनों, तो बताओ कौन सा रमने लायक है और कौन सा न्यारा देख करके आश्रय नहीं लेने लायक है, बताओ। दो तत्व हो गए न्यारे न्यारे देखने पर, यही बात अपने में दो बातें दिखाई दी, कौन कौन सी, कौन कौन सी दो बातें, हाँ, एक तो जीव अर्थात मैं, और दूसरा बंध अर्थात रागादि भाव। तो बताओ मैं हूं भगवान ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व, और रागादि भाव न्यारे, जब ऐसा न्यारा दिखा, बताओ किसका आश्रय लेना,
राग का आश्रय लेना कि आत्मा का आश्रय लेना, आत्मा अर्थात अपना आश्रय लेना, और ये रागादि भाव मुझसे भिन्न है और आकुलता लक्षण वाले हैं। ऐसा जानकर के नादि कालचित्तन रागादि भाव में रमते हुए अपार आकुलता भोगी, और अब ऐसा जानकर कि रागादि भाव न्यारे हैं और मेरे से न्यारे, मैं इनसे न्यारा ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा अपना आश्रय लेने पर अनंत सुख प्रकट होता है। मूल अपने पर जमने पर रमने पर सचमुच में मुक्ति की साक्षात दशा प्रकट हो जाती, मोक्ष तत्व प्रकट होता है, और फिर रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे। ऐसी दशा सचमुच भगवान महावीर ने निर्वाण के रूप में प्राप्त की, और हम सबके पास में भी ये भगवंतों का महान उपदेश, ये मुक्ति की क्या विधि है, किस विधि से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी विधि हमारे पास में है। ऐसे अपने प्रकट ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने निस्वभाव का आश्रय लेकर के मुक्ति को प्राप्त करें, इस भावना से भी, किस चर्चा से।